नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल रिश्वतखोर डॉक्टर प्रदीप धाकड़ पर नहीं हुई 3 दिन बाद भी कोई कार्रवाई। मरीज लक्ष्मी के परिजनों से लिए थे ऑपरेशन के बदले पैसे। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल जिला चिकित्सालय में मरीज के परिजनों से ऑपरेशन के नाम पर पैसे लेने वाले डॉक्टर प्रदीप धाकड़ की जिला कलेक्टर से की गई शिकायत के बाद भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदीप धाकड़ ने किसी नर्स के मोबाइल फोन से मरीज लक्ष्मी देवार के परिजन से बात कर डराने धमकाने की भी कोशिश की थी। डॉक्टर से फोन पर बात करने के बाद से मरीज और उसके परिजनों में डर का माहौल व्याप्त है। अपनी हरकतों की वजह से लगातार विवादों में बने रहने वाले डॉक्टर प्रदीप धाकड़ की विभिन्न शिकायतें स्वास्थ्य विभाग के पास लंबित है, बावजूद उसके मरीज के ऑपरेशन के नाम पर डॉक्टर पैसे की खुलेआम मांग करता है। परंतु इस बार वह जिससे पैसे की मांग कर रहा था उस मरीज के परिजनों ने पैसे देते हुए डॉक्टर का वीडियो बना लिया था। इस वीडियो को पीड़ित पक्ष ने जिला कलेक्टर को भी दिखाया था, जिसके बाद कलेक्टर ने कड़ी कार्यवाही करने की बात कही थी। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि डॉक्टर प्रदीप धाकड़ पर इस शिकायत का कोई असर नहीं पड़ा। घटना के 3 दिन बाद भी रिश्वतखोर डॉक्टर पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इनका कहना, हमें जिला कलेक्टर कार्यालय से शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें मरीज से पैसे लेने के संबंध में जांच का विषय था। उस शिकायत के संबंध में हमने डॉक्टर प्रदीप धाकड़ से पक्ष रखने जवाब मांगा है। जब जवाब आएगा हम जांच के आधार पर कार्यवाही करेंगे। सहायक अधीक्षक जिला चिकित्सालय डॉक्टर जगदीश घोरे, बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। विगत दिनों पूर्व जिला चिकित्सालय में डॉक्टर धाकड़ द्वारा पैसे लिए गए जी। सर, क्या कार्रवाई की गई? उसमें हम शिकायतकर्ता द्वारा, यहाँ तो हमें कुछ लिखित में नहीं दिया गया था। कलेक्टर महोदय को उन्होंने मौखिक भी और लिखित में भी उन्होंने दिया थे शिकायत, ऐसा जानकारी में आया था। तो सर के द्वारा अखबार की खबर की कटिंग के साथ हमको एक मौखिक आदेश दिया गया था सर के द्वारा कि आप इनकी जांच करें। तो हमने उस आधार पर शिकायतकर्ता एवं जो सर्जिकल विशेषज्ञ हैं डॉक्टर धाकड़, उनको हमने स्पष्टीकरण इनसे मांगा था। तो हमने इनको पत्र जारी कर दिया है। अभी उनकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण का जवाब हमको आया नहीं है ऑफिस में अभी। तो क्या लगता है आपको, क्या किस प्रकार की कार्रवाई? वो जांच में जो सामने आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जो दोषी होगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बारह में सर से बात बता रहे थे कि इसमें ये आप पहले भी विवादों में गए हैं जी, उसके बारे में आपका बताया? वो तो सर्वविदित है कि भाई अगर रहे हैं ऐसे तो अभी का हम जांच के बाद ही कुछ बता पाएंगे आपको। और वीडियो में आवाज भी उनमें पहचान है और तो वो अभी पूरी जांच हुई थी ना, वो तो हम पूरी अभी जांच करेंगे। जैसे कि अगर इनके जवाब हमको मिल जाते हैं तत्पश्चात जैसे भी जांच प्रक्रिया रहेगी उस पूरे प्रक्रिया में सब चीजों का, हर पक्ष का और हर जो भी हमको सबूत जिस प्रकार के मिलेंगे सबकी जांच होगी। तो जांच टीम बनाई गई है कलेक्टर साहब जांच पर? अभी टीम नहीं बनाई गई है, अभी हमने उनसे दोनों पक्षों से वो मंगाया इसके इस बारे में, क्योंकि उनसे जवाब मांगे, स्पष्टीकरण मंगाया कि आपके पूरे दिए ये शिकायत आई है तो आपका इस बारे में क्या कहना है। उनका अभी मत मांगा, दोनों पक्षों का शिकायत करते हैं। उनको इसमें समय सीमा तो दी गई है, जैसी समय सीमा में दे दें तो हम आगे कार्रवाई करेंगे।